नमस्कार। आज फिर एक दो छोटे किस्से लेके आया हूँ अपने ही जीवन से जुड़ी हुई। हम 2004 में मुंबई आए थे 16 अक्टूबर को पत्नी के साथ, और ये तय करके आए थे कि अब अभिनेता बनना है, हिंदी सिनेमा में काम करना है तो मुंबई चलते हैं। मालूम था लड़ाई लंबी है, वक्त बहुत लगेगा, तो हमने तैयारी कर रखी थी पहले से। पत्नी को बोला था कि तुम बीएड कर लो ताकि शुरुआती में तुम कहीं टीचर की नौकरी कर लेना, और मुझे तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कितना समय लगेगा। तो उसने दिन घर चलाने के लिए कोई तो एक कमाने वाला चाहिए, तो पत्नी ने बीएड कर लिया था और हम मुंबई आ गए। मुंबई आते हम शुरुआत के 2 महीने अपने दोस्त के घर पे रहे, भानु नाम है उसका, मेरा बैचमेट है भानु उदय, और हम अपने लिए घर खोजते रहे। फिर हमारे बजट के लिहाज से एक कांदीवली वेस्ट में एक छोटा सा घर मिल गया, जहां हम लोग आ गए, शिफ्ट हो गए। 2 महीने बाद फिर शुरू हुई बात नौकरी, पत्नी की नौकरी खोजनी है। तो क्लासिफाइड अखबारों में आते हैं ना, सो उसमें खोजते थे हम लोग टीचर्स की वैकेंसी कहाँ है और पढ़ते थे। अब हमें करना उस इलाके में जहाँ हम रह रहे हैं, कांदीवली मलाड अंधेरी, अब टाउन में नहीं जा सकते या दूर, तो निकले नहीं, कहीं वैकेंसी मिलती नहीं थी। तो हमने बोला, बायोडाटा मेरी पत्नी बना के रखी थी, तो मैं बोला यार एक काम करो, तुम बायोडाटा बना ली हो तो जितने अंधेरी मलाड के स्कूल्स हैं ना हमारे आसपास जहां हम चाहते हैं, कन्वीनियंट है, वहां चल के हम बायोडाटा दे आते हैं। वो बोली ऐसे कैसे दे दोगे, वैकेंसी निकली नहीं है और कैसे ऐसे दे दोगे, कोलकाता से आई हैं तो दरबार जाने नहीं देंगे या मतलब क्या कहेंगे लोग, वैकेंसी है नहीं, क्यों आए कौन। बोले क्या हो जाएगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो नहीं बोलेंगे ना कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप अंदर आए कैसे, चलिए जी आप गिरफ्तार होते हैं, अब चलिए थाने, तो चलते हैं ना। बोले तुम, मुझे नहीं मालूम, तुम अजीब आदमी हो। मैं बोला अरे प्रयास करने में क्या गया है, होगा होगा, नहीं होगा क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, जान मार देंगे, चलो। तो गए हम लोग एक मलाड के गोरेगांव के स्कूल में, बड़े स्कूल में, और हमने दरवान पूछा क्या है, गार्ड ने बोला नहीं रिसेप्शन पर मिलना है, कुछ जानकारी लेनी है, यहाँ लिख दो, चले गए। मैं नहीं गया, वो गई थी, मैं बाहर खड़ा था रिसेप्शन पे। ये बोलना उसको मत बताना है बायोडाटा, उसको बोलना कि मुझे रिसेप्शन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। अंदर गई और उन्होंने बोला भाई एक बायोडाटा है, मैं टीचर की नौकरी खोज रही हूँ। तो रिसेप्शन पे जो महिला बैठी थी उन्होंने बोला हमारे पास वैकेंसी तो है नहीं, बट ठीक है आप आई हो तो दे दो, हम एडमिन तक पहुँचा देंगे, अगर उनकी ज़रूरत हुई तो आपको बुलाएंगे। कट्टू सिनेमा वालों की भाषा है कट्टू, मतलब इसके बाद मैं एक दूसरी कहानी पे आता हूँ। बायोडाटा दे दिया, उस महिला ने बोला कि एडमिन तक खबर दे दूंगी, ज़रूरत पड़ी कभी लगी तो बुला देंगे। आ गई, बोले चलो ठीक है, बस हमने अपना काम कर लिया। दूसरी कहानी मेरी क्या चल रही थी, मैं उस समय हार्ड कॉपी तस्वीरों का वक्त था, तब मेल नहीं आए थे कि हम मेल कर दें तस्वीरें, या ऑडिशन बाद का चीज़ है, पहले आपकी तस्वीर पसंद आनी चाहिए तब ऑडिशन के लिए बुलाते थे, और तब कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं आए थे। अभी जो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम जाके, उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे तो डायरेक्टर का कोई एसोसिएट डायरेक्टर या असिस्टेंट या प्रोडक्शन के लोग भी कास्टिंग कर लेते थे, और तब कास्टिंग मतलब बहुत छोटे छोटे रोल्स में नए एक्टर को लिया जाता था, और जो भी एक सेट पैटर्न था, ये हीरो ये हीरोइन ये विलेन वकील तो इंस्पेक्टर भी सेट थे। तो 2004-05 की बात है ये, तो मैं जाता था दफ्तर में, दरवान रोक दे कहीं बड़ी कंपनी किसी फिल्म ऑफिस में गया, तो मैं बोलता था कि यार मेरे को, बोला किसने बुलाया है, मैं बुलाया नहीं, मेरे को ईश्वर जी भेजे हैं कि वो राहुल रवि जो भी नाम है उस एसोसिएट के, उनसे मिलना है, ईश्वर जी भेजे हैं। बोला अच्छा, वो फ़ोन करे कि भाई कोई आए हैं, पंकज नाम है, ईश्वर जी भेजे हैं। तो बोले अच्छा कौन, भेज दो मिलता हूँ, देखता हूँ कौन, या अंदर पहुँच जाए, छोटा दफ्तर हो, रिसेप्शन तक पहुँच गया सीधे, तो फ्रंट डेस्क पे जो भी रिसेप्शन पे महिला बैठी हैं, जी हाँ क्या, मैं बोला एसोसिएट डायरेक्टर से मिलना है, तो किसने भेजा है आपको, कैसे आए हो, क्या है रेफरेंस। तो मैं तो बोलता था वैसे ही आया हूँ, लिफ्ट से आया हूँ अभी बस ऊपर। नहीं, यहाँ भेजा किसने है, मतलब वो ईश्वर जी भेजे हैं बोल के उनसे, ईश्वर जी बोले हाँ बता दो ना उनको, वो जानते हैं, तो ईश्वर जी भेजे हैं, कोई पंकज आया है कास्टिंग वाले, चलो आते, तो या तो कास्टिंग वाले निकल के आए या मुझे अंदर तक भेज दी जाए। मेरे पास कास्टिंग वाले आए, बोले हाँ जी बोलिए बताइए आप, तो मैं बोला जी मैं एक्टर हूँ और ये मेरी तस्वीर है, मुझे पता चला आप कास्टिंग कर रहे हो, तो
बोला बट ईश्वर जी कौन ईश्वर जी भेजे हैं, वो प्रोडक्शन में या कुछ पोस्टों में किस डिपार्टमेंट, कौन से ईश्वर जी? मैं हंस देता था, बोलता था वो ईश्वर जी जो उधर बैठे हैं, जो सबको भेजे हैं दुनिया में। तो कई लोग हंस देते थे, ये दो चार बार ही हुआ, अक्सर नहीं हुआ ये किस्सा। कई लोग हंस देते थे और बोलते थे यार बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है या बढ़िया अप्रोच है तुम्हारा, लाओ तस्वीर दो, कहाँ से एक्टिंग सीखे हो, क्या किए हो। एक आध नाराज भी हो जाते थे। दो चार बार किया था ये, मुझे मेरे दोस्त आज ही फोन आया था दिन में हेमंत का, तो उन्होंने बताया कि यार तुम याद है तेरे को तो ईश्वर जी बोल के कहीं घुस जाते थे, ईश्वर जी भेजे हैं। तो याद आया। और हम एक्टर्स को कैसे पता चलती थी कि कास्टिंग कहाँ हो रही है, एक इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी में, वहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स शाम को बैठते थे और वहाँ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दी जाती थी। हम इतने वहाँ इकट्ठे होने लगे कि बाद में मॉल के जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी वालों ने हमें खदेड़ दिया कि तुम लोग चले जाओ, यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। उसमें पूरे हिंदुस्तान के गाँव खेड़े से छोटी जगहों से आए हुए हमारी तरह एक्ट्रेस थे, बहुत सारे बहुत सारे। बाद में सुजान सिंह चौक बन गया, वो भी एक एक्टर हैं सुजान जी। हम बहुत सारे दोस्त हैं, हम नाम लूंगा तो हजार नाम हो जाएंगे जो वहाँ बैठते थे। पत्नी की कहानी पे बायोडाटा दे के चली आई, एडमिन अब जाएगा। दूसरे दिन कॉल आया कि जी आप आइए, एक इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल ने कॉल किया है। वो गई, इंटरव्यू दी, उनकी नौकरी हो गई, पढ़ाने लगी, हमारा दुकान चल गया। और मैं ईश्वर के बहाने से दफ्तर दफ्तर घूमते रहा, मेरे ईश्वर काम नहीं आ रहे थे, कास्टिंग नहीं हो रही थी। थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा, ईश्वर काम आए, मौके मिले, बहुत सारे मौके धीरे धीरे मिलने लगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर पहला मौका था जिसमें मुकेश ने, तब तक कास्टिंग डायरेक्टर आ चुके थे और तब तक वो पैटर्न ख़त्म हो गया था कि किसी भी बहाने एसोसिएट या असिस्टेंट तक घुस के अपनी तस्वीर दे दो या इंट्रो दे दो कि जी मैं एक्टर हूँ। तब तक प्रोफेशनल माहौल बनने लगा था गैंग्स ऑफ वासेपुर में। मुकेश कास्टिंग, उसके पहले अभिमन्यु रे थे यशराज में, वो कास्टिंग कर रहे थे। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का चलन हो गया था, हनी भाई आ गए थे, जोगी भाई आ गए थे, ये सब कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। बाद में अभिषेक की कंपनी आई। सो बहुत सारी अभी कंपनियां हैं कास्टिंग की काम करती हैं बॉम्बे में। सो पत्नी की नौकरी लग गई और मेरे ईश्वर कुछ सालों बाद काम आए। और जब प्रोफेशनल हुआ माहौल तो हमें काम मिलने लगे और बाद के दिनों में अब तो इतने ज़्यादा काम मिलने लगे कि घर पर किसी एक को रहना ज़रूरी है मेरे और पत्नी में से। तो पत्नी को स्कूल की नौकरी कुछ साल पहले छोड़नी पड़ी और वो घर चलाती हैं, मुझे मैनेज करती हैं, हमारे बाकी बिजनेस को मैनेज करती हैं। ये है किस्सा। कुल जमा बात इतनी है कि प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हम किसान परिवार से आए हैं, किसान एक बीज डालता है ज़मीन में और डालने के बाद उसको मिट्टी से ढक देता है, उसको मालूम है कि इसमें वक्त लगेगा। मेरा काम है फेवरेबल कंडीशन देना, इसको वक्त पे पानी देना, वक्त पे धूप देना, खाद देना, आसपास घास आ गए, कचरा आ गया, सफाई करना। ये एक दिन पौधा बनेगा और फिर फल आएंगे इसमें। धीरज बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जिंदगी में जो काम करना चाहते हो, कोई भी काम छोटा नहीं है, कुछ भी। मतलब आप किसानी में भी कमाल कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। खैर, शुक्रिया, आज का किस्सा इतना ही, थैंक यू सो मच। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लॉकडाउन को गंभीरता से पालन करें और बाकी उपाय हमें मालूम ही है। हाइजीनिक मेंटेन करें, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें अगर ज़रूरत हो, एसेंशियल चीज़ों के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है तो। और बस यही है, शुक्रिया। आप सबको बहुत सारा प्रेम और स्नेह और पूरी दुनिया खुशहाल रहे ऐसी कामना है प्रभु से।